आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल प्रदेश के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी 30 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे। झांसी में 13 स्थानों पर बनेगी स्मार्ट पार्किंग, ऐप से पता चलेगा पार्किंग की जगह खाली है या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन ने ईरान की महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया। डेब्यू के बाद सबसे खराब वनडे फॉर्म में विराट अय्यर बने 2022 के टॉप ओडीआई। अनुराग बसु ने की फिल्म मेट्रो की अनाउंसमेंट, फिल्म में एक साथ नजर आएंगे सारा आदित्य रॉय कपूर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की नैक ग्रेडिंग हेतु तैयार सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की। HBTU नैक ग्रेडिंग के लिए पहली बार अपनी रिपोर्ट परिषद के समक्ष दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। राज्यपाल ने प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के साथ मूल्यांकन के लिए निर्धारित सभी सातों क्राइटेरिया हेतु तैयार विश्वविद्यालय की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट का बिंदुवार अवलोकन भी किया और सुधार के लिए सुझाव दिए। हरदोई में बसपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू और उनके सहयोगियों को अदालतों ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 7 साल का कारावास के साथ ही अर्थदंड भी दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की रहने वाली महिला से 2007 में पति और बच्चों को बंधक बनाकर 1 साल तक महिला के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान चली लंबी प्रक्रिया के बाद साक्ष्यों के आधार पर MPMLA कोर्ट ने पूर्व विधायक और उसके साथियों को दोषी पाया, जिसके आधार पर अदालत ने सभी को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी और 16 साल के इंतजार के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है और पूर्व विधायक समेत सभी को जेल भेज दिया गया। में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक संतू उर्फ सत्यनारायण ने लखनऊ की रहने वाली पीड़िता के बच्चों को अगवा करके अपने सहयोगी मुनुआ सिंह के घर ग्राम जखमा में बंधक बना लिया था। उसके उपरांत उनके सहयोगी गनर ड्राइवर ने पीड़िता को अगवा करके मुनुआ सिंह के घर पर बंधक बनाया, जहां कमरे में ये लोग उससे बारी बारी से साल भर दुष्कर्म करते रहे। 2007 में पीड़िता ने थाना अतरौली में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर भिचकौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 दिन पहले फार्मासिस्ट व बार बॉय के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवम उर्फ लाल बादशाह को मैदेमऊ गांव के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा है। वहीं एक सहयोगी आरोपी को शांति भंग की कार्रवाई कर SDM कोर्ट में चालान किया गया। राय
रायबरेली के महराजगंज में एक सिपाही ने डीजल लेकर जा रहे किसान को जमकर मारा पीटा, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते ग्रामीणों में आक्रोशित होकर चेक पोस्ट मऊ बाजार चौकी पहुंचकर जमकर बवाल किया। ग्रामीणों का गुस्सा देख सिपाही मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने किसी प्रकार समझा बुझा कर ग्रामीणों को शांत कराया। सुबह सुबह हमारा ड्राइवर खेती किसानी का काम चल रहा, खेत जोता जा रहा है, उसमें डीजल लाने के लिए समरौता पेट्रोल टंकी गया था, वो डीजल लेके आ रहा था, उसको अनलीगल रूप से परेशान करने के बाद एक तमाचा घसीट कर मार दिया जो है यहाँ के सिपाहियों ने। क्या नाम है सिपाही का? सिपाही का नाम कोई संदीप सिंह है, संदीप सिंह है। उसने जबरदस्ती उससे कहा साइड वो कहा लगा रहे हैं, डीजल का टैंक उसके साथ में रखा हुआ था, उसको भचाभच मारना चालू कर थे। हाँ, फिर कहाँ रुके आप? यही चौकी के पास। कौन सी चौकी है, क्या नाम है? मऊ। हाँ, फिर उसके बाद रोके और हमसे बोले खड़े हो जाओ। मैंने कौन था है? ये सिपाही थे। फिर बोले रुक जाओ, मैंने कहा साहब रुक जाओ, पेन सुधिया ले। बस इन्होंने गाली दिया, बस दो तीन झापड़ मार दिया हमारे। हरदोई में बेनीगंज इलाके में पोल्ट्री फार्म में मक्खियों की परेशानी की बात कहते हुए ग्रामीणों ने धरना जारी किया है। उनका कहना है कि मक्खियों के कारण रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं और जिन युवाओं की शादी हो गई थी उनकी पत्नियां मायके जा रही हैं। 14 दिन बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार ग्रामीणों की समस्या तक पूछने नहीं गए। वहीं पर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हर समय मक्खियां परेशान करती रहती हैं, खाना बनाने से लेकर खाने तक हम हर समय मक्खियों का आतंक रहता है, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीमार रहते हैं। एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला ने बुधवार को पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया और 15 मिनट में ही वापस लौट गई। एसडीएम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को नहीं सुना। हालांकि एसडीएम ने कहा कि स्थली जांच की जाएगी, इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी, इसके संबंध में जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन कराया जाएगा। कि आप सब जान रहे हैं कि लगभग 6 महीने से हम लोग सदर तहसील क्षेत्र के बढ़ियनपुरवा के लगभग 10 गांव से लोग मक्खियों से बहुत प्रभावित हैं। एक सागवान पोल्ट्री फार्म है जिससे मक्खियां गंदगी इतनी प्रभावित हैं, लोग 10-10 लोग एक महीने में मर रहे हैं, वहां पर शादी नहीं हो रही हैं और तमाम महिलाएँ जो शादी हुई हो अपने अपने घर जा रही हैं, इससे बहुत लोग परेशान थे। हम लोगों ने 25 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई अधिकारी ने समाधान नहीं। रायबरेली में थाना भदोकर व थाना मिल एरिया दिल्ली हार बंथरा मऊ पूजा विक्र फील्ड के पास खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जेसीबी से मिट्टी को खोदकर ट्रैक्टर से थाना भदोकर के बेहटा में नहर पटरी पर निजी आवासीय प्लाट पर भेजा जा रहा है। खनन का खेल प्रशासन की मिली भगत से खेला जा रहा है। रायबरेली में शहर कोतवाली थाना इलाके के नेहरू नगर के पास मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ दबंग लोहे की रॉड, बेल्ट और दूसरे घातक हथियारों से सरेआम पिटाई कर रहे हैं। दबंगई कर रहे लोगों का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बता दें इससे पहले भी कई मारपीट के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसपे पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के आरके बैटरीज वाली गली में दिया गिरने से एक मकान में आग लग गई जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घर में लगी आग को देखकर घर वालों के साथ आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि सामान के नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। राजस्व कर्मी आकलन कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अलीगढ़ में बीते दिनों एक निजी कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते गाने पर डांस किया था। महिला द्वारा किए गए डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था जो कि अब देश विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महिला की प्रतिक्रिया सामने आई है। महिला ने कहा कि बस लोगों के अनुरोध पर डांस किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वीडियो इतनी सुर्खियां बटोर लेगा।
चाहती हूँ सभी मीडिया को, जनता को, कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने ऐसे ही बना दिया था, एक पार्टी में गई थी मैं, मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी थी, मेरे जानने वाले मित्र हैं उनके बर्थडे पार्टी थी, तो मैं चली गई थी और बस वहाँ पे लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि हेमा जी आप कुछ परफॉर्मेंस दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप एक गाना चला दीजिए, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, और वो शूट जो मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया है, तो मैंने ऐसे डाल दिया था। लेकिन सर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो लोगों के दिलों में घर कर लेगा और लोग उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस दस बार देख रहे हैं। कुशीनगर कसिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उनके पास से कई सामान बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।